हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैं लाई थी आज सूखे ड्राइड फिश जो होता है उसका मैंने आज चटनी बनाई थी। यहाँ पे मैंने जौला ली हूँ जो कि बारीक बारीक आपको पता होगा कि प्रॉन्स जैसा दिखता है थोड़ा, उसे जौला कहते हैं। यहाँ पे मैंने उसे अच्छे से सिलो आँच पे उसे रोस्ट कर ली थी टाइम तक के। इसे मैं क्लीनिंग का तरीका बता रही हूँ आपको कि इसको प्रॉपर वे में किस तरीके से क्लीन करते हैं। बस इसे अच्छे से मैं इसे चम्मच से स्टर करते हुए रोस्ट कर रही हूँ। 15 से 20 मिनट मैंने रोस्ट की हुई इसको। उसके बाद मैंने एक बड़े से थाले में डाल दी हूँ। जब यह ठंडा हो जाएगा तो इसको जेंटली हाथ से सिर्फ ऐसे छुट्टा करना है। ऑलरेडी ये पूरा रहता है बट इसको एकदम ताकत से पूरा नहीं मसलना है। देख सकते हैं आप इसमें कैसे भूसा है हो गया है, जो वो निकल रहा है। तो ये ऐसे थाले में पछोड़ने से नहीं निकल रहा था, तो मैंने इसे एक स्ट्रेनर में लेके जो भी बारीक बारीक इसका भूसा था वो पूरा क्लीन कर ली हूँ। बहुत जेंटली आपको करना है, ज़्यादा मसलना नहीं है क्योंकि ये रोस्ट होने के बाद थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। बस ऐसे ही मैं झाड़ रही हूँ इसे। आप देख सकते हैं इसमें जो भी भूसा वगैरह था, जो भी कचरा या कंकर वगैरह था, अच्छे से क्लीन हो चुका है। इतना इसमें कचरा निकला है। ये मैंने रोस्ट करने के बाद में इसे अच्छे से छलनी से छान ली हूँ। अभी मैं इसे जो है वापस से चावल की तरह, हम लोग जैसे चावल कैसे चूनते हैं एक बड़े से बर्तन में डाल के, बस मैं इसे वैसे चून लूँगी अच्छे से, ताकि इसमें और भी अगर कुछ बड़ा बड़ा कचरा या कंकर है, पत्थर वगैरह जो भी है वो हट जाए, क्लीन हो जाए। बस अब ये क्लीन हो चुका है। मैं अभी स्ट्रेनर में डाल के इसे वॉश कर लूँगी और ऐसे ही सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। बस ज़्यादा नहीं सुखाना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने कोकोनट ली हूँ, एक अक्खा कोकोनट ली हूँ। मैं इसे बारीक बारीक धो के कट कर लूँगी। इसी में मैंने थोड़ी कोथमीर डाल दी वॉश करके, थोड़ी सी वॉश करके इमली डाली हूँ। आप देख सकते हैं क्वांटिटी, एक नारियल में मैंने एक मुट्ठी इमली और एक मुट्ठी कोथमीर और 4-5 इसमें मैंने रेड चिल्ली डाली हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट, सी सॉल्ट मैं ऐड करती हूँ। ये चटनी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब मैं कढ़ाई में ज़ीरा, राई और कड़ी पत्ते का तड़का दे दूँगी। सिर्फ 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल ली हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है इसमें। एक एक टीस्पून या हाफ हाफ टीस्पून आप ज़ीरा और राई डाल दीजिए। थोड़े से 4-5 कड़ी पत्ते, जैसे ये फूटने लगेगा इसमें मैं जो धो के रखी हूँ जौले को वो डाल दूँगी। ज़्यादा भिगाना नहीं है उसे पानी में। बस अभी इसे थोड़ा सा हल्का सा स्टर कर लूँगी तेल में और फिर चूल्हा बंद कर दूँगी। मैं अच्छे से इसे स्टर करना है। स्टर करने के बाद गैस बंद कर लूँगी और गैस बंद करके इसे नीचे उतार लूँगी कढ़ाई को, और फिर मैं चटनी इसमें मिक्स कर लूँगी। चटनी मिक्स करके इसके बाद मैंने इसमें हाफ लेमन जूस डाले थी, वो आपकी चॉइस है। मुझे थोड़ा खट्टा पसंद है तो मैं इसीलिए इसमें लेमन जूस एक्स्ट्रा डाली थी, अदरवाइज़ वो आपकी चॉइस है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालें। और यहाँ मेरी बढ़िया सी चटनी बन के रेडी हो चुकी है। गाइज़, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अपने घर में कुछ इस तरीके की चटनी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।